श्रीगंगानगर के श्री करणपुर में नग्गी डे को लेकर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारत विकास परिषद व भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने सन 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को स्वर्ग आश्रम व अंतर्राष्ट्रीय नग्गी बॉर्डर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेना के उच्च अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन व काफी संख्या में कश्मीर के नागरिक उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि नग्गी डे के मुख्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सन 1971 में सुविधा रहे सेवानिवृत्त धनवीर सिंह ने भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों की शौर्य गाथा का वर्णन कर कार्यक्रम को देशभक्ति की भावनाओं से भर दिया। सेना के अधिकारियों ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि भारत देश विश्व का शक्तिशाली देश है, आधुनिक हथियारों से लैस है, वही किसी भी दुश्मन के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत विकास परिषद द्वारा भारत पाक युद्ध में शामिल हुए रिटायर्ड सूबेदार धनवीर सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी के साथ भारतीय सेना के जवानों द्वारा बैंड धुन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पिछले 7 दिनों से हो रही कार्यक्रम मैराथन व चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। सूरतगढ़ से गोविंद भागर्व की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आगे भी अपना पार्टिसिपेट करना चाहूँगी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, और मैं चाहूँगी पार्टिसिपेट करना और ऐसे ऐतिहासिक और में हमारे जवान उसको लेकर क्या शिक्षा सैल्यूट करना चाहूँगी जो हमारे देश के लिए जवान शहीद होते हैं, और हमें उन सबको मतलब हमें उनसे प्रेरणा भी मिलती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें कभी डर। युद्ध हुआ था, कोई भी आदमी यानी कोई भी आदमी कैसा भी हो कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, कभी भी नहीं चाहता। और युद्ध में जो आदमी आ जाता है उससे पूछिए उसके दिल में क्या बीतती है। जब एक बराबर आदमी एक्सपायर होता है, गोला लगता है, मरता है, तो उसके दिल से उस टाइम आप पूछिए इतना मायूस होता है, आदमी बोलता है कि मैं दोबारा नौकरी नहीं करूँगा, उस टाइम ऐसा हो जाता आदमी को। बट फिर दिल सख्त रखे करता है और देश के लिए मरने की सौगंध खाता है। और ये तो फौजी आदमियों का फर्ज है, हम सौगंध ही इसके खाते हैं देश के।